दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30x50 के एक बेहतरीन हाउस डिजाइन की। आप फ्रंट का एलिवेशन देख भी सकते हैं, कितना खूबसूरत आपको देखने को मिल रहा होगा। हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया है। उन्हें फ्रंट में एक बारंदा चाहिए था, क्योंकि ग्रामीण लेवल पर दोस्तों उन्हें 30x50 में मॉडल चाहिए था ग्रामीण को देखते हुए। तो आपको पता है गाँव में लगभग आपको एक बारंदे का डिजाइन जरूर मिलता है, जो कि काफी मैंडेटरी होता है, काफी जरूरी होता है लोगों को, क्योंकि वहां पर उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है बारंदे से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन डिजाइन आज मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। फ्रंट आप देख सकते हैं, और ये दोस्तों एक प्लॉट है, तो 3 साइड क्लोज्ड होना लाजमी है, क्योंकि प्लॉट आपको पता है बहुत ही महंगे होते हैं और आसपास ज्यादातर प्लॉटिंग हुई होती है, तो लोगों के घर बने होते हैं। तो फ्रंट से ही ओपन है, और ये टोटल जो मॉडल है 30 फिट इसकी चौड़ाई है और 50 फिट इसकी गहराई है, और उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। और यहाँ पर जो डिजाइन है फ्रंट का, वो भी आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत देखने को मिलेगा। और मैंने यहाँ पर बारंदे को 2 साइड से ब्लॉक कर रखा है, केवल फ्रंट में मिडिल में ही ओपन कर रखा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि उसे भी ओपन किया जाए, तो आप ये ग्रिल जो मैंने लगा रखी है आप इसे रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोटल 30x50 में हाउस को मैंने डिजाइन किया है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करते हुए। तो चलो इसी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, मेरे आने वाले सभी अपडेटेड वीडियो आप पाते रहें। और दोस्तों मैं पेड सर्विस भी चलाता हूं, आप ग्रामीण या शहर जहां पर भी घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वो कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सअप पर मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। और उसके मैं आपको चार्ज भी पे करना होता है, 50% एडवांस और 50% बाद में, इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन आप हमें कॉन्टेक्ट करें तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल न करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो चलो आज का मॉडल जो है, सबसे पहले हम फ्रंट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आपको 4 पिलर देखने को मिलेंगे जो कि सिमिलर डिस्टेंस पर हैं, सिमिलर दूरी पर हैं, बिल्कुल समान दूरी पर हैं चारों पिलर। 30 फिट को आप डिवाइड करिएगा तो 10-10 फिट पर अप्रॉक्सी पिलर बने हुए हैं। इसके बाद इसमें मोल्डिंग का डिजाइन आप देखिएगा, काफी यू शेप में आपको मोल्डिंग का डिजाइन मिलेगा, बीम का डिजाइन मिलेगा, जो बारंदे का डिजाइन है। इसके बाद दोस्तों जो छज्जा मैंने बनाया है ना, जो आगे आप देख सकते हैं, ये 2.5 फिट पहले निकला है, इसके बाद 2.5 फिट निकला है, सॉरी 1.5 फिट पहले निकला है, 1.5 फिट पर, तो टोटल छज्जा आपका अप्रॉक्स 3 फिट में बना है, जो कि आप ऊपर से देखेंगे थोड़ा सा जो बीच वाला पोर्शन है उसे और आगे मैंने बढ़ाने की कोशिश की है और एक बेहतरीन सा डिजाइन बनाने की कोशिश की, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे दोस्तों आप ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपको 4 पिलर उस पर ये यू शेप का से आपको डिजाइन मिलता है। इसके बाद मिडिल में मैंने दोस्तों चढ़ने के लिए चीजें रखी हैं, तो टॉप व्यू अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये आपको बारंदे का डिजाइन मिलता है। फ्रंट में दोस्तों मेन डोर लगा है, जो कि लगभग 8 फिट का मैंने दिया है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप इसे छोटा कर सकते हैं। दोनों तरफ लेफ्ट और राइट आपको बेहतरीन सा विंडो विथ फ्रेम डिजाइनिंग के तौर पर दिया है। अगर टॉप व्यू देखें तो आपको ऐसा मकान दिखेगा, फ्रंट ऊपर से आपको दिखेगा। सबसे पहले बारंदे का डिजाइन देखने को मिलेगा, मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो 2 बेडरूम आपको फ्रंट में ही देखने को मिलते हैं, लेफ्ट और राइट साइड। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बड़ा सा किचन देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड पे, जिसमें डोर और विंडो मैंने दिया है। लेफ्ट हैंड में दोस्तों आपको ये स्टेयर दी है, उसके साइड में और उसके नीचे अब मैंने लेट बाथ बनाने की कोशिश की है। अगर आप वास्तविक अकॉर्डिंग घर बनवाते हैं तो आमने सामने लेट बाथ और किचन ना रखें, आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको अप्रॉक्स 4 कमरे चाहिए थे, पीछे हॉल चाहिए था, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश मैंने की है। तो फ्रंट में सबसे पहले आगे आपको 2 कमरे, फिर किचन, फिर लेट बाथ और स्टेयर्स, फिर आपको 2 कमरे मिलते हैं और सबसे पीछे बड़ा सा हॉल मिलता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये देख सकते हैं उनके अकॉर्डिंग ये मॉडल को मैंने डिजाइन किया है। अब दोस्तों मैं ऊपर की एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा मकान बनाते हैं तो ऊपर जब आप बेडरूम क्रिएट करेंगे ना, तब आपको इस बेडरूम में जाने के लिए डोर देना कहाँ, मतलब देने में प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए ये आप सोच समझ के बनवाइएगा। अगर ऐसा मॉडल बनवा रहे हैं या तो आप स्टेयर्स को यहाँ पर करिएगा, तब आप इसमें एंट्री कर पाएंगे। तो ये 4 बेडरूम पीछे हॉल और लिट बाथ किचन और बारंदे के साथ बेहतरीन सा 30x50 1500 स्क्वायर फुट में ग्रामीण क्षेत्र में घर बनकर रेडी हुआ है। अगर आपकी भी ऐसी रिक्वायरमेंट थी तो आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो करिएगा, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर मैं अपडेटेड वीडियो लगातार जानकारी देता रहता हूं नए नए मॉडल्स की। और इस मॉडल को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट जरूर करिएगा। तो अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की।
तो फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर गुमटी नहीं बनाई है, ये आप जरूर बनाइएगा। फ्रंट में आप ग्रिल वगैरह देखिएगा कितनी खूबसूरत और बेहतरीन। टोटल 3.5 फीट में छज्जा निकला, 1.5 पहले आगे और 1.5 और, तो ये आपको एक बेहतरीन 1500 स्क्वायर फीट में हाउस बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपको हमारा घर पसंद आया तो आप हमें लाइक जरूर करिएगा, चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। किसी भी डाउट के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, आप पेड सर्विस का इस्तेमाल जरूर करिएगा, जिसके लिए आपको एक बेहतरीन सा नक्शा बनाकर देता हूँ, जिसमें 2D 3D फ्रंट एलिवेशन और वीडियो इंक्लूड रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।